नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद शाला में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक और नई औषधि के बारे में जानकारी देंगे। यह औषधि पूरे भारतवर्ष में पाई जाती है। एक छोटा सा पौधा है। भारत के सभी राज्यों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। यह पूरे साल भर इस पे फल और फूल दोनों लगते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को इसके बारे में जानकारी है। आयुर्वेद में बहुत सारे रोगों को ठीक करने के लिए इस पौधे का इस्तेमाल किया जाता है। आज हम आपको मकोए के बारे में जानकारी देंगे, इससे होने वाले फायदे के बारे में आपको बताएंगे, यह कितनी मात्रा में आपको लेनी चाहिए यह भी आपको जानकारी देंगे। इससे पहले हम आपको इसकी पहचान कराएंगे। दोस्तों, की जैसा आप ये पौधा देख रहे हैं, मकोए एक प्राकृतिक औषधि है। यह अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जानी जाती है। काकमाछी, मको, गुड़कमाई, कचमच, पिलुड़ी, चरगोटी और गजचेटू आदि नामों से जानी जाती है। इसका फल कच्चे होने पर हरे रंग का होता है, पकने के बाद यह लाल, पीले और काले रंग का हो जाता है। मकोए फल बाग, बगीचे, नदी, नालों के किनारे आदि जगहों पर अपने आप उगता है। बहुत ही कम लोग जानते होंगे आखिर यह फल हमें क्या फायदे दे सकता है। मकोए का फल चमत्कारिक औषधि है जो कई खतरनाक बीमारी को खत्म कर सकती है। कच्चे मकोए के फल का स्वाद कड़वा तीखा होता है, पकने के बाद वह खट्टा मीठा होता है। मकोए के फल से बहुत सारे रोगों को ठीक किया जा सकता है, जैसे कि भूख को बढ़ाना, गठिया रोग ठीक करना, बवासीर को ठीक करना, सूजन ठीक करना, कोढ़ आदि दिल की बीमारियों को ठीक करना, आंखों की बीमारियों, खांसी, उल्टी, कफ आदि रोगों को ठीक करना। तो आइए जानते हैं आप कैसे मकोए का इस्तेमाल करके इन रोगों से बच सकते हैं। दोस्तों, जैसे हमने मकोए के बारे में आपको जानकारी दी है, इसकी पहचान के बारे में आपको बताया है, अब आपको ये बताते हैं कि कौन से रोगों में आपको इससे फायदा मिलेगा और आपको इसे कितनी मात्रा में लेना चाहिए। दोस्तों, पहला उपाय उनके लिए जिनका लीवर ठीक नहीं है, लीवर में खराबी है, पेट खराब है, आंतों में इन्फेक्शन है, उसके लिए आप मकोए की सब्जी बना के खाइए या फिर 10 ग्राम की मात्रा में आप इसका पंचांग लीजिए, इससे ये सारे रोग ठीक हो जाते हैं। अगला उपाय उन लोगों के लिए जिन्हें नींद की परेशानी है, नींद ना आने की समस्या है, वह लोग 10 ग्राम मकोए की जड़ का काढ़ा बना लें और उसमें गुड़ मिला लें, इससे नींद अच्छी आएगी और सुबह के समय पेट भी अच्छी तरह से साफ होगा। बुढ़ापे में अक्सर हृदय गति कम हो जाती है, इसके लिए आप 10 ग्राम मकोए के पंचांग का काढ़ा बना कर लें, इससे हृदय गति संतुलित हो जाती है। और हृदय की किसी भी प्रकार की बीमारी के लिए 5 ग्राम आप मकोए लीजिए, 5 ग्राम आप अर्जुन की छाल लीजिए, उसे अच्छी तरह से पीस लीजिए, उसे 400 ग्राम पानी में मिलाकर उसे जब तक पकाएं जब तक वह चौथाई हिस्सा ना रह जाए, उसका सेवन करने से हृदय का अगर कोई भी रोग है तो वह ठीक हो जाता है। अगर किसी को शुगर की बीमारी है तो आप मकोए का चूर्ण 1-1 चम्मच की मात्रा में सुबह शाम लें, इससे शुगर में आपको आराम मिलेगा। अगर किसी की किडनी में परेशानी है या किडनी सुकड़ रही है तो इसके लिए आप मकोए की सब्जी खाइए या 10 ग्राम मकोए के पंचांग का आप 200 ग्राम पानी में मिलाकर काढ़ा बनाइए, उसे पिए, इससे आपको आराम मिलेगा। जिन्हें पीलिए की समस्या है वह लोग मकोए का काढ़ा बनाइए, आधा आधा कप की मात्रा में आप सुबह शाम पीजिए, 4-5 दिन तक लगातार पिए आप, इससे पीलिया ठीक हो जाता है। जिनके मुंह में छाले अक्सर बने रहते हैं, छाले की समस्या बनी रहती है, ये पेट की गर्मी की वजह से होता है, इसके लिए आप मकोए के पत्ते लीजिए, अच्छी तरह से चबाइए, इससे मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। अगला उपाय उन लोगों के लिए जिनकी त्वचा रूखी रहती है, खुजली की समस्या है या चर्म रोग की समस्या है, तो इसके लिए आप मकोए के पत्तों को अच्छी तरह से पीस लीजिए, उसका लेप बनाइए और उसे अपने शरीर पर लगाइए, इससे चर्म रोग की सारी समस्याएं ठीक हो जाती है। जिन लोगों को बवासीर की समस्या या खूनी बवासीर है या कोई पुरानी बवासीर है, तो इसके लिए आप मकोए के पत्तों का ताजे से ताजा रस 10 ग्राम की मात्रा में पिए, इससे बवासीर की समस्या ठीक हो जाती है। आपको हम जितनी मात्रा बता रहे हैं इतनी मात्रा में ही आपको लेना है, क्योंकि ज्यादा मात्रा में आपको नुकसान भी हो सकता है। अगला उपाय उन लोगों के लिए जिनके मूत्राशय में सूजन है या गुर्दों में सूजन है, तो इसके लिए आप ताजा पत्ते मकोए के लीजिए, 10 ग्राम की मात्रा में आप इसका सेवन करें, इससे मूत्राशय की सूजन भी दूर हो जाएगी और गुर्दे की सूजन भी दूर हो जाएगी। दोस्तों, भारतवर्ष में जितनी भी स्वेलिंग के लिए दवाइयां बनाई जाती हैं उसमें मकोए का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, हमने आपको आज मकोए के बारे में जानकारी दी है। अगर आपको हमसे कुछ और भी पूछना है तो आप नीचे कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, हम आपके माध्यम से आयुर्वेद को हर घर में पहुंचाना चाहते हैं और हर घर से रोगों को दूर करना चाहते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल आयुर्वेद शाला से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आयुर्वेद शाला है आयुर्वेद की पाठशाला। नमस्कार।